Good morning and welcome to the Happiness Cocktail. So guys, I am in Raipur, Chhattisgarh. So मैं हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ के एक्चुअल में. और इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन आई एम देविना. आई मेक वीडियोज रिलेटेड टू ट्रेवल एंड लाइफ स्टाइल. सो गाइज, हम लोग अभी दिवाली सेलिब्रेट करने अपने घर आए हुए थे. तो हम लोग सोचे हमारे पास अभी एक दिन है, एक दो दिन है, तो हम लोग सोचे कुछ ना कुछ विजिट करते हैं. तो हम लोग सिरपुर आए हुए हैं. सिरपुर 80 किलोमीटर दूर है और रोड एंड ऑल इज वेरी ऑसम. हम लोगों ने कुछ 40 रुपीज पे किया टोल टैक्स में. इट्स वर्थ विजिट. हम लोग अभी लक्ष्मण टेम्पल में पहुंच चुके हैं. तो हम लोग गाइस लक्ष्मण टेम्पल में पहुंच चुके हैं. यहाँ का मेन अट्रैक्शन जो है, सबसे बड़ा मंदिर जो है, वो लक्ष्मण टेम्पल है. और यस, आने में बड़ा मजा आया. मतलब छत्तीसगढ़, मतलब इट इज़ वेरी नोटोरियस. पहले होता था कि मतलब छत्तीसगढ़ थोड़ा नोटोरियस था अपने रोड कंडीशंस के लिए लेके, लेकिन अब तो भयंकर बहुत अच्छा रोड है. सो हम लोग अभी हिस्ट्री एंड ऑल अब दिखाते हैं और कैसा सिरपुर दिखता है सब कुछ दिखाएंगे. स्टे ट्यून्ड टू दिस वीडियो. एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग. विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो नाउ. ये इस तरीके से कुछ टेम्पल दिखता है, लुक देयर. और यहाँ बहुत सारी ग्रीनरी है, गाड़ी पार्क की अच्छी व्यवस्था है, बहुत नीट एंड क्लीन है. और फिर टिकट घर इधर है, मेरा भाई टिकट ले रहा है वहाँ पर, एज यू कैन सी. और यहाँ पर लक्ष्मण टेम्पल सिरपुर की हिस्ट्री लिखी हुई है हिंदी इंग्लिश. और ये मतलब यहाँ पे विष्णु जी का एक बहुत बड़ा टेम्पल है, विष्णु मंदिर के रूप में स्थापित किया गया. अगर आप पढ़ोगे इसमें तो यही बता रहे हैं कि अभिलेख में हरि अर्थात विष्णु मंदिर के रूप में स्थापित बताया गया है. वहाँ पे जैसा कोट किए हैं उन लोग, उसमें पता चलता है कि तो मैं ये आप पढ़ सकते हैं पॉज करके वीडियो को, तो आपको अच्छी जानकारी मिलेगी. इंग्लिश वाला ज्यादा दिखा था ना, हिंदी समझ में नहीं आया. सो यहाँ लिखा हुआ है द ब्रेक टेम्पल. वेरी नाइस सीनरी गाइस, मतलब भव्य है एकदम. आप ये सोच सकते हैं कि ये करीब 1400 साल पुरानी बिल्डिंग्स है. सो आते ही हमको एंट्री टिकट लेनी पड़ती है. तो आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, वो टिकट काउंटर है. टिकट के प्राइजेस हैं 25 रुपीज़ पर पर्सन, और अगर आप फॉरेन टूरिस्ट हैं तो आपको 400 रुपीज़ पर पर्सन पे करने हैं. तो ये फेमस इसलिए है कि ईटों में नक्काशी जो की है कलाकारी, वो मेन है. पत्थर का मंदिर सब जगह है, यहाँ पर ही दर्श आया है. तो इस मंदिर को महारानी माता वास्ता देवी ने अपने पति हर्ष गुप्त के याद में बनाया था. इसमें कई साइज की ईटें हैं और इसमें गैप कम है के बाद एक चिपका, ऐसा क्यों? इनका जो मटेरियल है, आइए ना, चावल, चूना, गुड़, बेल का गुदा, उड़द का दाल, अलसी प्राचीन मसाला से जोड़ाई किए. खिड़की बनाया, विंडो ये खुलता नहीं, बार बार कोने कोने में देखे हाथी. मंदिर पहले सफेदा था, चूना प्लास्टर प्राचीन. गवर्नमेंट की स्कीम क्या है, 10 वर्ष से 20 वर्ष में एक बार क्या लगाते हैं, केमिकल ब्रश से सफाई करते हैं और कुछ नहीं, बस इतना. इतना सफाई नहीं था, छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, डेवलप. क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है कंठीलाल ध्रुव, लक्ष्मण मंदिर सिरपुर. डिजाइन सेम, इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं करता, मात्र केमिकल. क्या निकल? 10 वर्ष 20 वर्ष एक बार. विष्णु जी यहाँ पर लेटे हुए हैं, शेष साई विष्णु. नारद जी बैठे हैं, लक्ष्मी पारदा बार है. यहाँ पर अंकित किया गया है अवतार, एक कंकी अवतार, मछली अवतार, बराहा अवतार, नरसिंह अवतार, बावन अवतार, बलि अवतार, राम लक्ष्मण, विष्णु जी. ये पथरम क्या दे दिए हैं, विष्णु जी का अवतार. काला बम क्यों है, मूर्ति हमारा चोरी हुआ था 13 अक्टूबर 2005 में, मूर्ति प्राप्त हो गया. ब्लैक स्टोन धातु में चीज है, शेष नाम का होता है लक्ष्मण जी. अच्छा, तो इसको लक्ष्मण मंदिर के नाम से जाना जाता है.
इतिहास समर्पित किया है इसको कि विष्णु जी का मंदिर, तो विष्णु जी यहाँ पर लेते हुए। लुक एट द व्यू यू गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं म्यूजियम की ओर। सीधे में जो म्यूजियम है वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जो लोगों को मूर्ति मिली थी पहले बहुत पुराने ज़माने में वो रखी हुई है। वो मुझे म्यूजियम बहुत पसंद है तो अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। हाँ जो मूर्ति प्राप्त हुआ है तो उसकी मूर्ति मतलब जमीन के अंदर दबा था, ये खनन से प्राप्त हुआ है। खनन कब हुआ? 1956 गाइस, म्यूजियम के जस्ट बगल में एक ऐसा रूम है, यहाँ पर लोग पोस्टर लगा के रखे हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या क्या मंदिर हैं वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर काइंड ऑफ, जैसे कि हम्पी है और उड़ीसा का जो सन टेम्पल है कोणार्क, वैसे सारी चीज़ें लगी हुई है। तो छत्तीसगढ़ का बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन में बताया गया है, ऑफकोर्स वी आर इफ यू आर इन छत्तीसगढ़ तो वहाँ बताएंगे ही। और उसके साथ ही बहुत सारे दूसरे स्टेट के पोस्टर लगे हुए हैं कहाँ कहाँ देखने लायक जगह है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ लगी मुझे और आई हैरी अप्रिशिएट दिस गाइज। और मैं बिल्कुल कंसिस्ट करूंगी आप लोगों के, आइएगा और बहुत मजा आया। या सो फाइनली हमारा सिरपुर का जो ट्रिप है वो अब खत्म होने वाला है। सो जो टेंपल था अच्छा है, मतलब अगर आप रायपुर हैं, रायपुर के आसपास हैं तो, और आपके पास 6 घंटे हैं, मतलब 2 घंटा जाना 2 घंटा आना, और ऑलमोस्ट 1 घंटा से 1.5 घंटा लगता है यहाँ पे, तो मतलब 6 घंटा अगर आपके पास है तो इट इज़ अ वर्थ अ प्लेस। आप आइए यहाँ पे, घूमिए, अपना इतिहास जानिए, तो एक अच्छा मौका मिलता है। हाँ। आपको एक चैट करना चाहोगे? वही है, मतलब मुझे भी वर्थ लगा आना और बहुत नीट एंड क्लीन है, अच्छा है। अगर आपके पास टाइम है तो आप देख सकते आ सकते हैं। और फिर इसकी हिस्ट्री वही है कि क्या हिस्ट्री थोड़ा बताओ ना। हिस्ट्री वही 600वीं शताब्दी में कोई हर्षवर्धन, कोई गुप्त सम्राट की जो विधवा रानी थी उनके लिए उन्होंने, मतलब अपने पति के लिए उन्होंने ये बनाया था टेंपल यादगार, so, यादगार के लिए। और ये एक्चुअली लक्ष्मण टेंपल है और बाहर में बिल्कुल विष्णु जी की जो 12 अवतार हैं तो उसका चित्रांकन किया गया, तो इसे विष्णु टेंपल के नाम से भी मतलब पढ़ा जाता है। लवकुश का जन्म एक तुरतुर आश्रम है यहीं पास में, वहां पर हुआ था, तो वो भी एक अच्छे एडिशनल चीज है। तुरतुरिया वाल्मीकि आश्रम जो है वो बर्थ प्लेस है लवकुश का। लवकुश बच्चे हैं राम भगवान के, और ये जो आश्रम है ये सिरपुर से 23 किलोमीटर डिफरेंस में है। हम लोग को बिल्कुल नहीं पता था इस बारे में, मतलब जैसे कुछ पता होता है ना, जैसे रामायण में बहुत सारी चीजें, चित्रकूट में कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, फिर श्रीलंका में जो हुआ, तो ठीक उसी तरीके से लवकुश का जो जन्म है वो ये, मतलब इस एरिया में यहाँ पे एक पास में एक आश्रम है वहाँ। स्वामी वाल्मीकि जी का बोल रहे हैं, वाल्मीकि के यहाँ तो रहे रिक्वेस्ट है, तो वही है बस। और फिर अच्छा है, मतलब आपको अगर छत्तीसगढ़ के हैं तो आपको अगर जानकारी लेनी है तो आप बिल्कुल आइएगा, इट्स वर्थ अ विजिट। बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन है और मंदिर यहाँ पर जो है पूजा नहीं होती, बट खंडित उनका खंडित प्रतिमा है, जैसे आप लोगों ने हमारा प्रीवियस व्लॉग भी देखा होगा हम्पी में, तो मतलब इस टाइप के टेंपल्स में पूजा तो नहीं होती, नहीं होती। हाँ नहीं, हम्पी में होती है, सिर्फ एक टेंपल में होती है, एक टेंपल में होती है। हाँ बाकी वही है, तो अच्छा लगा। और अंदर में भी बहुत सारे यहाँ की जितने भी छत्तीसगढ़ की टेंपल है उसमें उसके बारे में मतलब उनका बताया गया है कौन कौन सी है, तो अच्छा लगा वो भी जान के। और उसके बाद फिर खास बात इस टेंपल की भी है कि ये एक्चुअली उससे बनाया गया है, मतलब ईंट से बनाया गया है, तो थोड़ा सरप्राइजिंग होता है कि मतलब ईंट की बनी अभी हुई भी चल मंदिर, और जो 600 शताब्दी मतलब आज से करीब 1400 साल पहले बनाई गई। और दूसरी चीज एक वीडियो में दिखाया भी गया है कि मतलब जैसे हम लोग सीमेंट यूज करते हैं ना जोड़ने के लिए, तो वो बकायदा मूंग दाल और एकदम प्राकृतिक चीजों से इसको जोड़ा गया था, रास का मतलब चाय का मतलब चावल के छिलके जो होते हैं इसको यूज करके, मतलब बहुत अच्छे गुड़ से बनाया गया है। अच्छा है बिल्कुल। सो मैं अपना वीडियो यही एंड करती हूं, आपको अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। टेक केयर, आई विल सी यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।